बिहार की सत्ता में एक बार फिर से बदलाव होने वाला है। सियासी उठापटक 3 दिन से बिहार में देखी जा रही है और बिहार ही क्यों, दिल्ली तक इसका असर नजर आ रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वाम दलों को मिलाकर बनाया गया महागठबंधन टूटने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़ने वाले हैं, क्योंकि तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर नीतीश बीजेपी के नेताओं के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश रविवार शाम सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, यानी कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। बिहार में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, बहुमत का आंकड़ा 122 है। सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के पास 128 विधायक का समर्थन है। अब ऐसे में अगर नीतीश महागठबंधन से हटने का फैसला करते हैं तो उनके लिए दोबारा सीएम बनना मुश्किल नहीं है। बिहार में सियासी घटनाक्रमों के बीच कई नेताओं ने चौंका देने वाले बयान दिए हैं, तो ऐसे बयानों का जिक्र करते हैं जिससे कहीं ना कहीं ये तय है कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोई भी पीछे नहीं है, क्योंकि जहां नीतीश बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है, तो वहीं यहां पर आरजेडी जो है वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करे, क्योंकि आरजेडी ने तमाम अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई है और इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार नीतीश को मनाने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि नीतीश से बात करने की कोशिश हो रही है लेकिन नीतीश से बात नहीं हो पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी आंखें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं लेकिन हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। अब नीतीश के महागठबंधन के अलग होने की चर्चा शुरू हो गई थी। नीतीश को इंडिया में कुछ नहीं मिला। केंद्र मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गठबंधन को स्वार्थ के लिए बनाया गया, इसमें शामिल सभी दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए, इसका बिखरना तय था। वो आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं मिला। नीतीश के आने से एनडीए को होने वाले फायदे के सवाल पर गिरिराज ने कहा कि मैं पार्टी में समीक्षक नहीं, कार्यकर्ता हूं, मैं सिर्फ खुद को पार्टी के काम के साथ जोड़ता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश की वापसी के संकेत दिए। मीडिया ने जब नीतीश की एनडीए में वापसी को लेकर सवाल किया तो सुशील मोदी ने कहा, जहां तक नीतीश कुमार या जेडीयू का सवाल है, राजनीति में दरवाजे कभी भी स्थायी तौर पर बंद नहीं होते। समय आने पर बंद दरवाजे खुलते हैं, लेकिन दरवाजा खोलेंगे या नहीं, यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। बिहार में पिछले एक हफ्ते में सियासी रुख बदलने लगा। बिहार की राजनीति से जुड़े हर नेता ने इस बात की उम्मीद लगाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। सबसे पहले इसकी भविष्यवाणी हम संयोजक जीतनराम मांझी ने की थी। शुक्रवार को एक बार फिर से उन्होंने बिहार में सियासत बदलने की बात कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हो ही जाएगा खेला, और खेला जरूर होगा। जेडीयू के महासचिव केसी यादव ने भी अपने बयानों से पार्टी के एनडीए के साथ जाने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है, इंडिया गठबंधन अपने विघटन के कगार पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अड़ियल रवैये से इसे तार तार कर दिया। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी साथ आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नीतीश कुमार ने खुद भी परिवारवाद को लेकर दिए एक बयान के जरिए महागठबंधन से अलग होने का इशारा किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। उनके निधन के बाद उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को जेडीयू ने राज्यसभा भेजा। हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, हमने हमेशा दूसरों को मौका दिया। इसे आरजेडी के लिए तंज के तौर पर देखा गया और तभी से ही बिहार में पूरा सियासी ताना बाना उथल पुथल होता हुआ नजर आ रहा है। कल छुट्टी का दिन है और रविवार का दिन जो है वो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल होने वाला है। देखते हैं शाम तक क्या फैसला निकलकर सामने आता है और कल क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाने वाली है बिहार में। अभी भी क्वेश्चन मार्क है, वो कुछ भी सकता है, राजनीति है।